सब्सक्राइब कीजिए साइंस स्टडी बाय खान चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम शुरू करने आ रहे हैं स्टूडेंट कम्यूटेटर्स, और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कम्यूटिंग ऑपरेटर। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। तो स्टूडेंट, हम अब इस लेक्चर को ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं कम्यूटेटर्स, उसके बारे में कुछ थोड़ी सी हम पहले लिखते हैं लाइन्स कि क्या है ये, इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं। इफ ए एंड बी आर ऑपरेटर्स, ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा। एंड ऑल्सो शोज ऑपरेटिंग ऑपरेटर, ठीक है, मीन्स डेट इज ए कैप बी कैप इक्वल टू बी कैप ए कैप, ठीक है। अगर ए एंड बी आर टू ऑपरेटर्स हैं और अगर वो शो कर रहे हैं कि वो ऑपरेटिंग कम्यूटिंग ऑपरेटर हैं, तो स्टूडेंट देन इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ऑपरेटर लाइक ए बी माइनस बी ए, ठीक है। तो अगर ए और बी ऑपरेटर्स हैं और ये बता रहे हैं कि ये एक कम्यूटिंग ऑपरेटर हैं, तो ये इस ऑपरेटर को भी बनाएंगे, मतलब ये इनकी कंडीशंस होगी जो पॉसिबल करेगी कि एक ऐसा ऑपरेटर ही बनेंगे। अगर ये कम्यूटिंग ऑपरेटर बन रहे हैं तो ये पक्का बनेंगे, ये नेसेसरी कंडीशन है। तो स्टूडेंट, ये जो हमारा ऑपरेटर बना है इसको ही बोलते हैं कम्यूटेटर्स। और this operator is called commutators and it is denoted by AB or square bracket। ओके स्टूडेंट, तो ये तो हमारा हो गया कि अगर दो ऑपरेटर हैं वो कम्यूटिंग ऑपरेटर हैं ए और बी, उसके बाद स्टूडेंट क्या होगा कि उनकी कंडीशंस होगी, पॉसिबल कंडीशन होगी कि वो एक ऐसा ऑपरेटर बनाएंगे जिसको बोलते हैं कम्यूटेटर, ठीक है। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ए एंड बी। तो इससे हमें ये चलेगा पता, हम देखते हैं एक जैसे कि थोड़ा समझने की एग्जांपल लेते हैं कि इफ टू ऑपरेटर्स आर कम्यूटिंग ऑपरेटर्स ठीक है, तो इससे हमें क्या चलेगा पता स्टूडेंट, ए बी माइनस
बी ए कैप इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको ये किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन भी ज़ीरो होता है। तो स्टूडेंट ये हमारा होता है कम्यूटेटर्स। तो इसके बारे में हम एक बार फिर कर लेते हैं कि अगर दो ऑपरेटर हैं वो कम्यूटिंग ऑपरेटर हैं तो उनकी कंडीशन होती है नेसेसरी की वो क्या होगी, इस कंडीशनों का ऐसा कुछ ऑपरेटर बनाएंगे इसको भी बोलते हैं कम्यूटेटर्स। और ये क्या होते हैं, अगर इसको हम स्प्लिट करके लिखें तो ये इक्वल टू ज़ीरो होता है, तो ये होते हैं कम्यूटेटर्स। तो स्टूडेंट अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़, गुड बाय।